हेलो दोस्त, वेलकम टू स्टडी कोच 91 यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है। दोस्त, यूपी स्कॉलरशिप 2021-22 को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है। दोस्तों, इस अपडेट में आप सभी लोगों को जानने को मिलेगी कि आप लोगों की छात्रवृत्ति जो है कब तक आएगी। और दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप आनी स्टार्ट हो गई है, तो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्कॉलरशिप आनी स्टार्ट हो गई है और आप लोगों की जो स्कॉलरशिप है और कब तक आएगी दोस्तों। और भी बहुत सी बातें दोस्तों आप लोगों को इस न्यूज़ में जानने को मिलेगी जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो के साथ पूरा इन तक रहेगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट को पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस स्कॉलरशिप की न्यूज को। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा अमर उजाला न्यूज़पेपर की एक कटिंग, जिसकी मेन हेडिंग की बात करें तो मेन हेडिंग है पहली बार छात्रों को शुल्क भरपाई नवंबर में ही। दोस्तों, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप लोगों की स्कॉलरशिप जो है नवंबर में आ रही है। दोस्तों, कौन से स्टूडेंट्स की कब आएगी इस न्यूज़ में आप लोगों को विस्तार से देखेंगे तो मिलेगा। आप सभी लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और भी अपडेट आप लोगों को इस न्यूज़ में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं विस्तार से। कोरोना काल को देखते हुए प्रदेश में पहली बार नवंबर में ही 16 लाख छात्रों को शुल्क भरपाई के साथ वजीफा दिया जाएगा। इसके लिए शनिवार को अवकाश के दिन भी समाज कल्याण निदेशालय में ट्रेजरी बिल तैयार किए गए। सभी विद्यार्थियों को मंगलवार तक भुगतान हो जाएगा। दोस्तों, यहां पर आप लोग देख लीजिए, 16 लाख स्टूडेंट्स को मंगलवार तक भुगतान हो जाएगा दोस्तों, इस 30 तारीख तक, ठीक है। हर साल गांधी जयंती के बाद जनवरी से मार्च के बीच में भुगतान होता रहा है। दोस्तों, आप लोग पहले भी अगर स्कॉलरशिप लिए हैं, स्कॉलरशिप का लाभ, तो आप लोग को इसके बारे में पता है कि आप लोग को जो स्कॉलरशिप है वो कब मिलता था, ठीक है। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक 69.82 लाख विद्यार्थियों का आवेदन कर चुके हैं। लगभग 70 लाख स्टूडेंट्स दोस्तों आवेदन कर चुके हैं। इनमें से सभी वर्ग की कक्षाओं और पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी शामिल हैं। इनमें से 48 लाख विद्यार्थियों का डाटा संस्थान स्तर से अग्रसरित हो चुका है। दोस्तों, 48 लाख स्टूडेंट्स की डाटा जो है वो कॉलेज से जो है फॉरवर्ड हो चुका है। समाज कल्याण निदेशालय के अधिकारियों के मुताबिक NIC से डाटा ओके होने के बाद 13 लाख विद्यार्थियों को भुगतान के लिए ट्रेजरी बिल तैयार हो चुका है। दोस्तों, 13 लाख स्टूडेंट्स की डाटा वगैरह वेरीफाई के एकदम मतलब बिल पेमेंट करने के लिए एकदम भुगतान हो चुका है स्कॉलरशिप आने के लिए। 3 लाख और छात्रों का डाटा सोमवार तक अंतिम रूप से स्वीकृत हो जाएगा। इस तरह करीब 16 लाख छात्रों को 30 नवंबर तक भुगतान कर दिया जाएगा दोस्तों। और 3 लाख स्टूडेंट्स की डाटा जो है सोमवार तक पूरी जो तरीके से जो वेरीफाई वगैरह कर ली जाएगी, ताकि उनको भी कुल मिलाकर के लगभग 16 लाख छात्रों को 30 नवंबर को भुगतान कर दिया जाए, ठीक है। 8400400400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का, आपके हर एक क्वेश्चन, हर एक डाउट का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने मोबाइल में डाउटनेट का व्हाट्सएप नंबर 8400400400 को सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट हो, उस सवाल का फोटो खींचना है, क्रॉप करना है, फिर 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE NEET CBSE और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए व्हाट्सएप नंबर 8400400400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, CM योगी ने दिए थे निर्देश, ये सभी बातें आप लोगों को भी पता होगी, मैंने आगे भी वीडियो में पिछली वीडियो में भी जिक्र कर चुका है, लेकिन चलिए इसमें भी देख लेते हैं। प्रथम चरण में उन विद्यार्थियों को भुगतान किया जाएगा जिनका डाटा संस्थान से 28 अक्टूबर तक अग्रसरित कर दिया गया था। दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स की पिछली 28 अक्टूबर को कॉलेज से फॉरवर्ड कर दिया गया था डाटा, उन लोगों की इस चरण में यानी 30 नवंबर को भुगतान किया जाएगा। दूसरे चरण में उन विद्यार्थियों का भुगतान किया जाएगा जिनका डाटा 3 दिसंबर तक अग्रसरित होगा। दोस्तों, जो दूसरे चरण में भुगतान किया जाएगा, अब दूसरे चरण की बात करें कब भुगतान किया जाएगा, तो दूसरे चरण की भुगतान जो किया जाएगा लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में, और दोस्तों आप लोगों के बैंक खाते में लगभग 15 जनवरी के करीब दूसरे चरण वाले स्टूडेंट्स के पास आ जाएगा, ठीक है। सरकार की विशेष घोषणा के तहत 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर 1.56 लाख छात्रों को इस योजना के तहत भुगतान किया गया था। दोस्तों, 2 अक्टूबर को जो है 1.56 यानी कि लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी गई थी। इस बार CM योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संकट से हुई परिस्थितियों के चलते नवंबर में भुगतान के निर्देश दिए थे। तो भाई, ये थी आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट कि आप लोगों की जो स्कॉलरशिप है वो जो है 30 नवंबर तक भेज दी जाएगी, जिन स्टूडेंट्स की 28 अक्टूबर को डाटा फॉरवर्ड कर दी गई थी। और अभी जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन नहीं किए हैं, ऑनलाइन करेंगे, उनकी जो लास्ट डेट है डाटा फॉरवर्ड की वो 3 दिसंबर है। तो जब इन स्टूडेंट्स की डाटा फॉरवर्ड होगी, इन लोगों की स्कॉलरशिप जो है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से भेजी जाएगी, जो कि आप लोग के खाते में लगभग 15 जनवरी के करीब पहुंचेगी, ठीक है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट को पहले पाने के लिए, ठीक है। दोस्तों, मिलते हैं फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।